गुड मॉर्निंग टू ऑल। इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वन टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ब्रोंकियोक्टेसिस। आज हम ब्रोंकियोक्टेसिस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ऑल्सो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग and the unit is respiratory disorders. So what are the bronchiectasis, iske definition ke bare mein padhenge. So what are the definition of the bronchiectasis? The bronchi and bronchioles become abnormally and permanently dilated caused by infection and inflammation. Jo hamara respiratory system hota hai उसमें इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं एंड ब्रोंकियोल्स होते हैं, तो ये एबनॉर्मल तरीके से परमानेंटली डायलेटेड हो जाते हैं, जो कंडीशन हमारी ब्रोंकियोक्टेसिस कहलाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। सो व्हाट आर द पैथोफिजियोलॉजी। ईटियोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो ईटियोलॉजी में हमारा रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाता है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अलावा हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस और साथ में जो हमारा एलर्जेंस होते हैं, एलर्जेंस इन्फेक्शंस, ये सब हमारा ईटियोलॉजी में आता है। एंड पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात बारे में डिस्कस करेंगे तो पैथोफिजियोलॉजी में ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स बिकम एबनॉर्मली एंड परमानेंटली डायलेटेड कॉज बाई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। This is result in excessive production of the mucus that obstruct the bronchi. It means कि जब हमारा bronchi and bronchioles होते हैं, जो airway होते हैं, उनमें infection हो जाता है, infection के साथ साथ inflammation भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा bronchi होते हैं and bronchioles होते हैं वो abnormally permanently dilated हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस, यानी म्यूकस का बहुत सारा प्रोडक्शन होने लगता है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट द ब्रोंकाई, जो कि यही म्यूकस हमारे ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट करता है या रुकावट पैदा करता है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे एंड द क्रोनिक इन्फेक्शंस। द चेंजेस विद इन द लंग्स कैन बी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। इट मीन्स कि जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है लंग्स में, तो ये हमारा एक्यूट कंडीशन में बहुत ही कम, लेकिन क्रोनिक कंडीशंस में ये इन्फेक्शंस ज़्यादा होता है, यानी बहुत दिनों से अगर ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बहुत दिनों से बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, या फिर क्रोनिक जो इन्फ्लामेशन की कंडीशन होंगी उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट, द चेंजेस विद इन द लंग्स कैन बी लोकलाइज्ड और जो जनरलाइज्ड, यानी जो लंग्स के अंदर जो एबनॉर्मल डायलेशन होता है, तो ये जो चेंजेस होते हैं तो ये लोकली भी हो सकते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पे भी, और जनरलाइज में भी हो सकते हैं। इट मीन्स कि पूरे लंग्स में भी इफेक्ट कर सकते हैं। द लंग्स में डेवलप एरिया ऑफ एटलेक्टेसिस वेयर द म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट द स्मॉलर एयरवेज, मेकिंग द म्यूकस डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल। इट मीन्स कि जो लंग्स होता है वो एटलेक्टेसिस की कंडीशंस भी डेवलप कर लेता है, और ये कब की कंडीशंस में होता है, जब म्यूकस होता है जो स्मॉलर एयरवेज होते हैं, जो छोटे छोटे एयरवे होते हैं, तो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और वहाँ का जो म्यूकस होता है डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल, यानी बाहर निकलने की कंडीशन में नहीं होता, वहीं पे जम जाता है, जिसकी वजह से एटलेक्टेसिस की कंडीशंस भी आ सकती हैं। दिस रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द एयरवे एंड लीड्स टू ब्रोंकियोक्टेसिस। अब जब स्मॉलर एयरवे में म्यूकस जो जमा हो जाता है, जो कि बाहर इतना इजी से नहीं निकल पाता है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो इन्फेक्शन भी हो जाता है, और इन्फेक्शन के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी एयरवे में हो जाता है, जो कि हमारा ब्रोंकियोक्टेसिस कहलाता है। एटलेक्टेसिस वो कंडीशंस है जिसमें हमारा स्मॉलर एयरवे ब्लॉक होते हैं, ब्रोंकियोक्टेसिस वह कंडीशन है जो एयरवे ब्लॉक होने के साथ साथ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन भी हो जाता है। नेक्स्ट हम प्रोग्नोसिस की बात करेंगे, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शंस एंड इसेंशियल फॉर मैनेजमेंट।
अर्ली डायग्नोसिस एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन आर एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट। इट मीन्स कि जो अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ये हो गया कि तुरंत के तुरंत जैसे ही डायग्नोसिस होता है उस समय इन्फेक्शन पे कंट्रोल करना और साथ में सिम्टोमेटिक जो मैनेजमेंट होता है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इसका प्रोग्नोसिस रेट अच्छा होता है। नेक्स्ट पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजिकल थेरेपी एड टू मूवमेंट ऑफ द म्यूकस फ्रॉम द एयरवे। इट मीन्स कि पोस्चुरल ड्रेनेज, अगर पोस्चुरल ड्रेनेज वो होता है जो कि ज़्यादा हमारा प्लूरल कैविटी में ज़्यादा इन्फेक्शन और पस या फिर कोई फ्लूइड भर जाता है तो ये पोस्चुरल ड्रेनेज भी किया जा सकता है। एंड साथ में फिजिकल जो चेस्ट फिजिकल थेरेपी होता है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये जो चेस्ट फिजियोथेरेपी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो म्यूकस होता है म्यूकस को हमारा एयरवे से क्लीन करने के लिए। द डिफ़िकल्टी इज ब्रीदिंग इज कॉज्ड बाय द एक्सेस म्यूकस सिमिलर टू द पेशेंट्स विथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज एम्फाइसेमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो डिफ़िकल्टीज जो ब्रीदिंग होती है तो ये एक्सेसिव म्यूकस की वजह से होता है जो कि धीरे धीरे और भी डिसीजों में कन्वर्ट हो सकता है जो कि सीओपीडी कहलाती है, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में तो साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होंगे जो कि इस डिसीज कंडीशन में फाउंड होते हैं। फर्स्ट होता है डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग जिसको डिस्निया बोलते हैं ड्यू टू द म्यूकस प्रोडक्शन एंड इरिटेशन विद इन द एयरवे। इट मीन्स कि म्यूकस प्रोडक्शन जो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है डिस्निया ये भी हो सकता है एबनॉर्मल म्यूकस प्रोडक्शन और एयरवे इरिटेशन की वजह से। नेक्स्ट जो साइनस सिम्टम्स होगा वो प्रोडक्टिव फॉल स्मेल होगा, फॉल ऑर्डर्स होगा, कॉफ ड्यू टू थिक डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल टेनासियस म्यूकस विद द बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो इस उस समय पे फाउल स्मेलिंग या फिर बैड ऑडर्स भी आ सकते हैं और साथ में थिक कफिंग भी हो सकती है जो कि बैड ऑडर के साथ होती है। वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनका कॉलोनाइजेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसमें बैड ऑडर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कफ में भी वर्सन व्हेन लाइंग डाउन, जब आप लेटते हैं तो लेटने वाली पोजीशन में होंगे तो कफ का जो कंडीशंस होता है वो और ज़्यादा यानी ख़राब हो जाता है या और ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो जाता है, इसलिए इसमें सेमी फाउलर पोजीशन या तो फिर इसमें बैठने की कंडीशन में थोड़ा आराम मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइनस सिम्टम्स के बारे में रिकरेंट ब्रोंकियल इन्फेक्शंस यानी ब्रोंकियल इन्फेक्शंस बार बार होने लगेंगे इसमें। नेक्स्ट जो साइनस सिम्टम्स हैं हीमोप्टाइसिस भी हो सकता है। हीमोप्टाइसिस क्या होता है? ब्लड टाइंड और ब्लडी म्यूकस यानी जो भी म्यूकस बाहर आएगा उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट लॉस ऑफ वेट, वेट लॉस भी होगा पेशेंट का बिकॉज ऑफ पेशेंट आर नॉट ईटिंग वेल, क्योंकि जो पेशेंट होगा वो सही से खा नहीं पाएगा। और वो किस लिए होगा? क्योंकि जो रिस्पिरेटरी चेंजेस होंगे और फाउल स्मेल्स होगा और कफिंग जो होगा और जो इंक्रीज रिस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं इसकी वजह से जो मोर कैलोरी यूज हो रही हैं तो हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के बराबर ईटिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से वेट लॉस भी लगातार हो सकता है। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स होगा क्रैकल्स और रॉन्काई और एस्पिरेशन ड्यू टू द म्यूकस बिल्डअप। म्यूकस बिल्डअप की वजह से क्रैकल साउंड भी आ सकता है जो कि एबनॉर्मल साउंड है और ये ब्रीथिंग के साथ साथ में भी सुना जा सकता है। नेक्स्ट एनीमिया भी हो सकता है क्रोनिक डिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम साइनोसिस हो सकता है। साइनोसिस ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है जिसमें जो स्किन का कलर होता है वो डिसकलरेशन हो जाता है या ब्लूइश हो जाता है। नेक्स्ट क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होता है यानी फिंगर्स जो होते हैं उसमें क्लबिंग आ जाता है जिसकी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराएंगे और उनका एक्सपेक्टेड लगभग रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराएंगे जिसमें से एप्रोप्रिएट बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराया जा सकता है। नेक्स्ट
चेस्ट एक्सरे कराएंगे, चेस्ट एक्सरे में अफेक्टेड एरियो में शैडो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन कराएंगे, और जो सीटी स्कैन होगा तो ब्रोंकियोक्टेसिस के एरियाज को शो करता है, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगर वाइटल कैपेसिटी यानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, तो इसमें वाइटल जो कैपेसिटी होता है तो यानी वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज लंग वाइटल कैपेसिटी ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट हम अगर ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ट्रीटमेंट इज़ फोकस्ड ऑन द गेटिंग इनफ ऑक्सीजन टू मीट करंट नीड ऑफ द पेशेंट, एक्सपेल म्यूकस एंड ट्रीट इन्फेक्शंस। यानी जो ट्रीटमेंट होगा तो वो हमारा फोकस किया जा सकता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड हो उसको पूरा किया जा सके, म्यूकस को एक्सपेल करने के लिए और इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट के लिए। तो यानी जो हमारा मेन बेसिक प्रिंसिपल होंगे ट्रीटमेंट की, ऑक्सीजन लेवल को बनाए रखना, साथ में म्यूकस को बाहर निकालना और इन्फेक्शन को क्लियर करना, ये तीन मेन बेसिक प्रिंसिपल होंगे जिसमें हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन कौन से पॉइंट को कवर करेंगे? सबसे पहला होता है ऑक्सीजन का सप्लीमेंट, यानी ऑक्सीजन लगातार प्रोवाइड करेंगे बॉडी नीड को बराबर रखने के लिए। नेक्स्ट पोस्टुरल जो ड्रेनेज होगा तो वो सिक्रेशंस को ड्रेन आउट करने के लिए पोस्टुरल ड्रेनेज भी कराया जा सकता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी कराया जा सकता है हमारे जो सिक्रेशंस को लूज़ करने के लिए, और साथ में एक्सेसिव जो सिक्रेशंस होते हैं तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है ड्यूरिंग द ब्रोंकियोस्कोपी। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर ब्रोंकियो डायलेटर टू हेल्प कीप एयरवे ओपन। एयरवे को ओपन लगातार रखने के लिए ब्रोंकियो डायलेटर्स का यूज़ किया जा सकते हैं, जिसमें एल्बिट्रेल, लेवोबेट्रोल ये मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे ब्रोंकियो डायलेटर्स के रूप में काम करती हैं और इनको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक टू ट्रीट इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक भी देंगे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट सेलेक्टेड बेस ऑन द रिजल्ट ऑफ द कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। यानी जो भी एंटीबायोटिक चलाएंगे जो कि उस पर बेस्ड होना चाहिए कि हमारा जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी का जो टेस्ट होगा वो किस बैक्टीरिया से रिलेटेड है, तो उसी प्रकार का हमें एंटीबायोटिक चलाना होगा। नेक्स्ट हम नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट होता है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, एक नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा होता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, एंड नेक्स्ट होगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ये तीन प्रकार के नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे। नेक्स्ट हम नर्सिंग इंटरवेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, एफर्ट, ब्रीथ साउंड, स्किन कलर एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। तो जो नर्सिंग पर्सनल की मेन जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो उनमें सबसे पहले रिस्पायरेटरी रेट चेक करना है पेशेंट का, देन एफर्ट चेक करना है, एफर्ट कितना पेशेंट लगा पा रहा है, ब्रीथ साउंड के बारे में चेक करना है, स्किन कलर ये ब्लूइश डिस्कलरेशन वगैरह चेक करना है, एंड यूज़ ऑफ एक्सेसरीज मसल्स इनको भी कंटिन्यूसली चेक करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्रम चेस्ट परकर्सन टू हेल्प लूज इन द सीक्रेशंस। यानी जो जो मैंने बताया था चेस्ट जो फिजियोथेरेपी होती है उसको भी कराएंगे, ये किस लिए होता है, हमारे सीक्रेशंस को लूज़ करने के लिए। नेक्स्ट कुछ चीज़ें पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि फर्स्ट होता है दैट फैमिली मेम्बर्स कैन परफॉर्म चेस्ट पीटी। यानी जो भी चेस्ट रिलेटेड जो फिजियोथेरेपी होती हैं तो वो हमारे किसी एक फैमिली मेम्बर को उनके इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, उसके बारे में बताना है, ताकि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे ऐसी कंडीशंस में जो चेस्ट पीटी होते हैं उसको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट हाउ टू डू पोस्टुरल ड्रेनेज, पोस्टुरल ड्रेनेज का जो भी प्रोसीजर है उनको एक्सप्लेन करना होगा। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, हाउ टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, इसके बारे में भी पेशेंट को एजुकेट करना है। नेक्स्ट हाउ टू प्रॉपरली एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, यानी जो जितने भी मेडिकेशंस पेशेंट पे चलाए जा रहे हैं उनको प्रॉपरली कैसे एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस के बारे में, इनको भी बारे में डिस्कस करना है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे।
कल जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर का एक नया सिस्टम, एक नया चैप्टर डील करेंगे। सो थैंक यू।